देखो नारद बातों नी आए। बछड़े के बारे में आप बताने आए थे? हाँ। और कुछ नहीं माते, मैं चलता हूँ। अच्छे है ना माते, आपके आभूषण देखिए, वो देखिए, नीचे पृथ्वी पर देखिए, लोग दिवाली पर आपका पूजन करते हैं, नए नए आभूषण लेकर आते हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, और स्वयं माता लक्ष्मी इतने पुराने आभूषण। माते, मैं बचपन से आपके यहाँ आता आ रहा हूँ और आपके आभूषण आज भी वैसे के वैसे। हो गया, हो गया, मेरे आभूषण बदलने का समय हो गया। हो ही गया। अब मुझे जो सत्य लगा मैंने तो कह दिया माते, और आपको तो पता है मेरे पेट में कोई बात दबी रहती है, है ना माते? अपने आभूषण देखिए, महादेव से कहकर नए आभूषण मंगवाइए। आप महादेव की धर्म पत्नी है, माँ पार्वती है, ऐसे आभूषण अच्छे नहीं लगते। हाँ नारद, लगता तो मुझे भी है कि मेरे आभूषण बहुत पुराने हो चुके हैं। पुराने नहीं, बहुत पुराने हो गए हैं माते। माते, मैं तो कहता हूँ आजकल भांति भांति प्रकार का नई नई कृतियों के आभूषण आए हैं जो धरती की कन्याएं पहनती है। ओ, मैं तो कहता हूँ माते, तो उपाय कीजिए, सरस्वती देवी होकर इतने पुराने आभूषण। नारायण नारायण। आप बोलिए नारायण, सब कुछ तो आपने बोल दिया, आप बोलिए, मेरे बोलने के लिए क्या रह गया? आप ही बोलिए, बोलिए बोलिए। नारायण नारायण। नारायण, क्या आवश्यकता थी आपको देवी लक्ष्मी को आभूषण की बात कहने की? अब देखा, देवी लक्ष्मी रूठ कर चली गई ना। हाँ प्रभु, परंतु मुझे तो लगा कि आपको लगा, आपका ये लगा मुझे कैसा लगा है जानते भी हैं आप? नहीं नहीं, अब तो नए आभूषण बनवाने ही हैं। हाँ हाँ, हम तीनों अभी विश्वकर्मा के पास जाके नए आभूषण बनवा लेते हैं। हाँ चलिए चलिए। रुको, क्या हुआ? आजकल उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं है? तो हम लोग अभी के अभी पृथ्वी लोक पर जाकर राजा के सुनार से नए आभूषण बनवा लेते हैं। हाँ ये अच्छी बात है, चलो चलो। नारायण नारायण। प्रणाम माताएं। प्रणाम देवश्री। आभूषणों के प्रेम में इतना लीन हो गई तीनों कि आभूषण लेने स्वयं धरती पर जा रही हैं। छोड़िए ये सब, चलिए त्रिदेव बुला रहे हैं। नहीं नहीं, मैं जब तक नए आभूषण नहीं लूंगी मैं स्वामी के समीप नहीं जाऊंगी। अरे परंतु माते। नारद, आप भी हमारे साथ चलिए। अरे माते, मैं कैसे जा सकता हूँ? क्योंकि आप भली भांति जानते हैं अच्छे आभूषण किसे कहते हैं। ये तो सत्य कहा आपने माते, परंतु मैं नहीं जा सकता, मेरे पास बहुत सारे कार्य। नारद नहीं है, चलते हैं। उत्तम अति उत्तम। नारद, आपको कुछ नहीं चाहिए? मुझे कोई कुछ दे नहीं रहा। अरे नहीं नहीं माते, आप तो जानती हैं मैं ब्रह्मचारी, मुझे स्वर्ण की क्या आवश्यकता? आप इतने सुंदर और हष्टपुष्ट होकर भी ब्रह्मचारी हैं? विवाह कर लीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, मेरी पत्नी की एक बहन है कुआरी। अरे कहो तो बात चलाऊं। वत्सला, वत्सला, स्वर्ण की दुकान में बैठा आभूषण बेच। फटाफट बताओ कितना हुआ, हम नगिन चलेंगे यहाँ से माते, मुझे नहीं रुकना यहाँ। शान शान नारे, शान शान। 5000 मुद्रा। हाँ चलिए मैं दे देती हूँ।
अरे नहीं नहीं, मैं दे देती हूँ। एक देवियों, स्वयं लक्ष्मी के होते हुए आप लोग मुद्राएं देंगे, मैं देती हूँ। रुकिए, आप रुकिए, आप इधर आइए। नारद, कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या क्या हुआ माते? ये आप क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? अरे स्वर्ण मुद्राएं दे रही थी। ऐसे कोई स्वर्ण मुद्रा देता है? हम स्वर्ग लोक में नहीं, हम पृथ्वी लोक पर है। क्या करे? करे क्या करे? हाँ उपाय है। हाँ? लीजिए आपके 5,000 स्वर्ण मुद्राएं। उत्तम, अति उत्तम। लाइए इसमें डाल दीजिए। आपके आप लोग यहीं रुकिए, मैं भी आता हूँ। नारद ये कहाँ जा रहा है? अरे स्वर्ण मुद्राएं छुपाने जा रहा होगा। छुपाने क्या? नारायण सुन, तू अभी के अभी राजा के पास जा और उनसे कह कि जो राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं चोरी हुई थी ना, उनके चोर हमारे सामने बैठे हैं। जा जल्दी। क्या हुआ? माते, भागो भागो। देखो नारद बातों नहीं आए।